some famous Roman authors and their works जो बड़े बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, बुक्स के नाम, ऑथर्स के नाम और थोड़ा सा उनका तारीफ। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन, यू कैन सी लास्ट डे हमने क्या किया था, फेमस हमने ग्रीक ऑथर्स किए थे और इस पार्ट में हम करेंगे सम फेमस रोमन ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, जो हमारे लिए एक या एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फेमस रोमन ईरा ऑथर्स, तो जो बड़ा नाम हमारे सामने आता है दैट इज ओविड। ओविड वाज अ रोमन पोएट, यू कैन सी द नेम ऑफ द ओविड हियर, इट इज बेटर विजिबल। सो ओविड, ओविड वाज द रोमन पोएट, द मोस्ट फेमस ऑफ विच इज द एपिक पोएम द मेटामॉर्फोसिस। बहुत फेमस इसकी एक पोएम है, जो वर्क है, जो सबसे बेस्ट इसका वर्क है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हम देखते हैं कि ये बाद में काफका ने भी इस टाइटल को कॉपी किया, फ्रांस काफका का एक वर्क है मेटामॉर्फोसिस, बट दैट इज ए नॉवेला। ये याद रखिएगा, मेटामॉर्फोसिस के नाम से दो बड़े ऑथर हमारे सामने आएंगे रोमन में, जो प्राइमरी वर्क है एपिक पोएम रिटन बाय ओविड इन रोमन ईरा, मेटामॉर्फोसिस इज ए पोएम। अगर पोएम लिखा हो तो वो ओविड ने लिखी है, और अगर तो नॉवेला हो तो वो फ्रेंस काफका ने लिखा है। ये यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा, कई दफा नाम जो है वो रिपीट भी किए जाते हैं। 15 बुक्स लॉन्ग द मेटामॉर्फोसिस क्रॉनिकल्स मैनी क्लासिकल ग्रीक मिथ्स। मेटामॉर्फोसिस में बहुत ज्यादा जो है ना वो ग्रीक मिथ्स को मेंशन किया गया है, और ये 15 बुक्स लॉन्ग है, 12 बुक्स लॉन्ग नहीं है बिल्कुल। एज इट इज होमर को कॉपी नहीं कर रहा, ओविड खुद एक ओरिजिनल ऑथर है, उसकी ओरिजिनलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ही रोट 15 बुक्स, एंड क्या इसके अंदर है, क्या क्रॉनिकल्स मैनी क्लासिकल ग्रीक मिथ्स पर इसने लिखा है, छोटे बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं इसके अंदर, इंक्लूडिंग द क्रिएशन एंड द फ्लड स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ द ऑर्फियस एंड द यूरिडाइस, जेसन एंड मीडिया, डेडलस एंड एकारस, द मिनोटोर, हरकुलिस, स्टोरीज फ्रॉम ट्रॉय एंड मैनी अदर्स। ही आल्सो टेल्स अ हैंडफुल ऑफ रोमन मिथ्स, और कुछ उसने रोमन मिथ्स भी ऐड किए, बाकी काफी ज्यादा ग्रीक की स्टोरीज को दोबारा से लिखा है इस बुक के अंदर। सो ओविड जो है हमारे पास पहले ऑथर हैं, रोमन जो ग्रेटेस्ट ऑथर्स की लिस्ट हम पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट ऑथर इज लीवी, एनदर ऑथर इज लीवी, एनदर हिस्टोरियन हु कमेंट्स ऑन द डिक्लाइनिंग मोरालिटी ऑफ द रोम। लीवीज हिस्ट्रीज द हिस्ट्री ऑफ रोम, लीवी की जो बुक है फेमस बुक, लीवी इज ऑल्सो हिस्टोरियन, याद रखना है, जो बहुत पहला हिस्टोरियन था वो इससे पहले था ग्रीक एरा में, सबसे पहला हिस्टोरियन हेरोडोटस था। जितनी भी आज हिस्ट्री लिखी गई है तो वो सबसे पहला फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस, जिसने बुनियाद रखी हिस्ट्रीज की। और रोम के अंदर जो एक बड़ा हिस्टोरियन है, बड़ा ऑथर जिसे आज भी माना जाता है, उस नेम इज लीवी। सो लीवी रोट द हिस्ट्री ऑफ रोम, ये उसकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ रोम, ट्रेस रोम बैक टू इट्स सेक्रेड ओरिजिन्स, मीनिंग द फाउंडर्स ऑफ द रोम हैड गॉडली पेरेंटेज। ही स्टार्ट्स विद द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन वॉर इन 1180 BC एंड स्टोरी ऑफ द एनियस। ये जो एनियस है ये एनियड का हीरो है, एनियस। देन कैटलॉग्स द स्टोरी ऑफ द रोमुलस एंड द रोमस एंड द फाउंडिंग ऑफ द रोम। ये जो रोमुलस है, ही वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ द सिटी ऑफ रोम, बाद में जो पूरी एम्पायर बनती है रोमन एम्पायर। तो इसमें कुछ स्टोरी और कुछ हकीकत को लीवी ने मिक्स किया है, डेफिनेटली 100% साइंटिफिक हिस्ट्री की बुक तो नहीं है, जो जैसे आज लिखी जाती हैं, आज की किताबें तो रिसर्च मेथडोलॉजी के असूलों के मुताबिक लिखी जाती हैं। तो उस टाइम हिस्ट्री का मतलब हिज स्टोरीज ही हुआ करता था, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा। ओके, नेक्स्ट ग्रेट ऑथर इज वर्जिल, रोम का जो एक और बड़ा नाम है
शायद आप इसे नंबर वन ऑथर भी कह सकते हैं वर्जिल, और उसके बाद ओविड और लीवी का नाम आता है। तो तरतीब में मत जाएं कि ये कोई कम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। एक हमने बस लिस्ट जो कि फॉर्म की, ये सारे ही ग्रेट ऑथर हैं। सम पीपल से है कि सबसे बड़ा ऑथर अगर रोमन ईरा से आप निकाल लें तो वो वर्जिल है। सो वर्जिल अनदर रोमन पोएट रोट थ्री मेजर वर्क्स, इसके तीन बड़े काम हैं, द एकलॉग, द जॉर्जिक्स एंड द एपिक पोएम द एनियड। जो सबसे ज्यादा इसका फेमस वर्क है वो है द एनियड। ये जो बुक है द एनियड, जो मैंने आपको अभी नेक्स्ट टास्क दिया है, कुछ किताबों के हम इनसाइड जाएंगे। हमने क्या तय किया था, कुछ में हम तो सिर्फ राइटर और उनकी बुक्स का हवाला पढ़ेंगे, और कुछ काम जो हैं उनके इनसाइड भी जाना पड़ेगा आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके बाकी वर्क बस आप याद कर लें, द एकलॉग, द जॉर्जिक्स बुक्स हैं, लेकिन जो एपिक पोएम है द एनियड, ये आपको याद करनी है इसकी स्टोरी और इसके मेन कैरेक्टर्स। द एकलॉग आर फेम द पोएम ऑफ आइडिलिक लैंडस्केप्स, द जॉर्जिक्स इज फोर बुक पोएम अबाउट एग्रीकल्चर, अगर थोड़ा सा और जानना चाहें तो, वरना तो नाम भी काफी है। लेकिन द एनियड इज his best known and the most influential work. It follows the journey of Aeneas, a Trojan demigod who escapes Troy during the sack of the city. Jab city damage ho jata hai, Greek use Trojan horse bana ke trick karke deceive kar dete hain Troy walon ko, aur subsequently burn kar dete hain Troy city ko, jala dete hain, fatah kar lete hain Greek jo hain. To एक एनियस जो है एक ट्रोजन है, एक वॉरियर है जो वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है, और फिर उसकी ये जर्नी है वापसी की, उसकी जर्नी है वहां से निकल जाने की। तो वो निकल के कहाँ पे जाता है, आफ्टर मैनी ईयर्स गोज ऑन टू द सेटल इन इटली, डेस्टिन टू फाउंड लेविनियम अ न्यू ट्रॉय। ये एनियस जो है जो कि ट्रॉय का प्रिंस है और वहां से निकलता है, और अब चूंकि ट्रॉय तो खत्म हो चुका है, तो ये अपने कुछ लोगों को साथ लेके दर बदर ठोकरें खाता हुआ मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ अल्टीमेटली इटली पहुंचता है, और वहां पे रोम है ना, रोम की बुनियाद रखता है, विच मीन्स न्यू ट्रॉय, ओके, ऑन द लैंड दैट विल इवेंचुअली बिकम रोम। ये वो जगह न्यू ट्रॉय, एक शहर बसाता है लेविनियम के नाम से, इसका मतलब है न्यू ट्रॉय, और ये बाद में रोम बनता है। एनियड में अब अगर आप देखें तो वर्जिल ने क्या किया है कि उसने जो रोमन एम्पायर थी उसके रूट्स को ट्रेस किया है, और ये याद रखिएगा जितनी भी एम्पायर बन जाती हैं फिर वो अपने रूट्स को सेक्रेट लोगों से जाके मिला देती हैं, जो बड़े बड़े हिस्ट्री के जो करेक्टर हैं उनके साथ जोड़ देती हैं। तो दैट वॉज अ फिक्शन वर्क, रिमेंबर रहे कि ये कोई सच में एनियस वहां से भाग के रोम की बुनियाद रखने नहीं आया था, एक्चुअली रोमन्स ने, के शायर ने क्या किया कि रोम के लोगों को जो रॉयलिटी थी उसके उसका लिनियज जो है वो उसे जोड़ दिया ट्रॉय के साथ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न, एज फार एज आर्ट इज कंसर्न। नोट करते जाए, ये चूंकि आपने एक एक बात याद रखनी है, ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये एक एक लफ्ज सोने का है, प्लाटीनम वर्ड्स हैं, बल्कि बहुत कीमती अल्फाज हैं, एक एक वर्ड आपने याद करना है। नेक्स्ट रोमन ग्रेट ऑथर इज टैसिटस, टैसिटस ये आपके सामने होगा, टैसिटस। व्हाइल देयर वाज एन एम्परर टैसिटस, दिस टैसिटस वाज ए हिस्टोरियन। याद रखिएगा एक एम्परर टैसिटस भी था, लेकिन ये नहीं है, ये अलग है। यहाँ पे अगर आपने रोम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां एक एम्परर टैसिटस भी मिलेगा, ऑब्वियसली उसके नाम के साथ एम्परर लगता है तो हमें पता चल जाता है कि एम्परर है, और ये तो बेचारा स्कॉलर था, तो स्कॉलर बेचारा कुछ भी साथ नहीं लगता था उस टाइम उसके नाम के साथ। ही वाज हिस्टोरियन, पढ़ा लिखा शख्स था। ही रोट थ्री मेजर वर्क्स, द फर्स्ट ऑफ दीज इज द एनल्स, इसकी ये जो बुक है ना ये बहुत फेमस है कि एनल्स लिखे टैसिटस ने। एनल्स इज द बुक ऑफ हिस्ट्री बेसिकली, which mourns the loss of the republic and describes the beginning of the empire as well as the death of the Germanicus and the trio of the Piso.
इसमें ये रोम की हिस्ट्री के बारे में और एंड ऑफ रिपब्लिक, जब वो रिपब्लिक से अंपायर बनती है, तो उन वाकयात को एक बुक में कलम बंद करता है टैसीटस। एनल्स इसकी जो बुक है ये बहुत फेमस है। इसके अंदर बुक है द हिस्ट्रीज। इन द हिस्ट्रीज ही रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ द एम्पायर फ्रॉम 69 टू 96 एडी। एंड इन द जर्मेनिया एक तीसरी बुक है द जर्मेनिया, ही डिस्क्राइब्स द लैंड एंड द कस्टम ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स विच ही एडमायर्स। तो जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे जिनको ये बहुत अच्छा समझता था, उनको एडमायर करता था। और याद रखें ये एंग्लो सैक्सन जर्मेनिक ट्राइब्स ही हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। उनके बारे में लिखा हुआ, अभी एंग्लो सैक्सन लोग अभी नहीं गए थे, इंग्लैंड नहीं पहुंचे थे और एंग्लो सैक्सन ये जब भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उनकी काबिलियत के बारे में टैसीटस ने अपनी बुक द जर्मेनिया में लिखा है। ओके, नेक्स्ट जो है वो ग्रेट ऑथर रोमन ईरा से जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है सिसरो, CICERO, सिसरो, और समटाइम इट इज प्रोनाउंस एज चेचेरो। चेचेरो भी कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं सी की आवाज, चे की आवाज, जो लैटिन है वो इस तरह से प्रोनाउंस करेगा। हाउएवर प्रोनाउंसिएशन के हवाले से जो डोमिनेंट मुझे नजरिया मिला है वो ये है कि ये सिसरो है, ज्यादा स्कॉलर को मैंने सिसरो कहते सुना है। सो सिसरो इज द बेस्ट नोन फॉर हिज कंपेलिंग एंड एलोक्वेंट स्पीचेस ड्यूरिंग द रोमन रिपब्लिक। ये रोमन रिपब्लिक के टाइम पे है और ये बहुत बड़ा स्पीकर था, एलोक्वेंट, फसाहत और बलागत थी, जब बोलता था तो सहर तारी कर देता था, बहुत ही कमांड थी इसको लैंग्वेज के ऊपर। एंड दिस डे रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर ऑफ ऑल टाइम, जिसे कहते हैं बेस्ट ओरेटर ऑफ ऑल टाइम्स सिसरो। लेकिन अफसोस की बात है कि उस जमाने में चूंकि रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं था, तो हमें नहीं पता, हमें बस डॉक्यूमेंट से पता चला है कि वो बेस्ट ओरेटर था। और उसकी जो लिखी हुई स्पीचेज वो तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते उस तरह से। दो ही वॉज मोस्टली कंसिडर्ड अ स्कॉलर एंड पॉलिटिशियन एंड वॉज इलेक्टेड काउंसिल इन 63 BCE। सो BCE का मतलब है बिफोर क्राइस्ट ईरा। ही ऑल्सो रोट बुक्स ऑफ रेटरिक। अब इसकी जो किताबें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ओरेटर बनना चाहता है तो बहुत बड़ा स्पीकर बनना चाहता है, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये किताबें जरूर पढ़ते होंगे, खासतौर पर रेटरिक। तो रेटरिक है ही आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड परसुएशन एंड ट्रीटाइजेस ऑफ फिलोसफी। ट्रीटाइजेस ऑफ फिलोसफी एंड रेटरिक इसकी दो किताबें, ये बहुत फेमस है। His speeches still survive, as do over 800 of his personal letters. बहुत सारी उसकी speeches हमें अभी भी मौजूद हैं, दो किताबें भी हैं और 800 के राउंड अबाउट जो है उसके लेटर्स हैं। ऑब्वियसली जो उसने लेटर लिखे थे उसमें भी उसकी लैंग्वेज पे जो कमाल है, उसका जो यूज ऑफ लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, ऑब्वियसली वो लैटिन बोलते थे और उसी में लिखते थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस दैट सिसरो वॉज लेटर कॉल्ड द फादर ऑफ द कंट्री। ओके, ही वॉज लेटर कॉल्ड एज द फादर ऑफ द कंट्री, अपनी स्कॉलरशिप की वजह से, अपनी ओरेटरी की वजह से उसे हमेशा याद रखेंगे। लेकिन आपने इसको ये जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है अगर आप इसको याद कर लें तो ये मोर देन इनफ। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न टाइम्स की तरफ, क्योंकि ये तो पुराने लैटिन के ऑथर थे, तो मॉडर्न जो इटालियन पीरियड स्टार्ट होता है जब लैटिन लैंग्वेज से एक लैंग्वेज ड्राइव होती है। मॉडर्न जो इटली है इनकी लैंग्वेज इटालियन है, इनकी लैटिन लैंग्वेज नहीं है, लैटिन लैंग्वेज अब बोली नहीं जाती है, वो ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह मॉडर्न इटालियन लैंग्वेज हो चुकी है। लेकिन लैटिन और इटालियन की इस ट्रांजिशन और मॉडर्न टाइम के स्टार्ट के साथ कुछ ऐसे ऑथर हैं जो बहुत फेमस हैं। तीन ऑथर जो हमने फर्दर सेलेक्ट किए हैं उनको इकट्ठा भी कहा जाता है, ट्रे क्रोन द थ्री क्राउन्स, दे आर फेमस एज थ्री क्राउन्स। इनके नाम हैं डांटे, पेट्रार्क एंड बोकैचियो। डांटे,
पेट्रार्क एंड बोकैचियो। तो ये हमारे तीन आखिरी लैटिन पीरियड के राइटर हैं, ये इटली से जो बिलोंग करते हैं। पेट्रार्क इज ट्रेडिशनली कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। पहला ऑथर जो हम लेते हैं उसको, ही इज पेट्रार्क, इज ट्रेडिशनली कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, बोथ फॉर हिज इन्फ्लुएंशियल फिलोसफिकल एटीट्यूड्स फाउंड इन हिज न्यूमरस पर्सनल लेटर्स एंड हिज डिस्कवरी एंड द कंपाइलेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट। इस वजह से, और दूसरा इसने ह्यूमनिज्म की बुनियाद भी रखी। ही हिज मोस्ट नोटेबल वर्क्स आर, और यही वो ह्यूमनिज्म है जिसकी वजह से रेनेसां स्टार्ट होता है। तो रेनेसां की पहली ईंट रखने वाले ये ऑथर हैं, डांटे पेट्रार्क एंड बोकैचियो। हिज मोस्ट नोटेबल वर्क्स आर ट्रायोन्फी, एन एलिगोरिकल प्रोसेशन ऑफ वर्चुअस, एंड सेकेंड अगर इसका देखें तो कैंजोनायर और कैंजोनायरी, इस सॉन्ग बुक ऑफ 366 पोएम्स। कैंजोनायरी जो बुक है उसमें 366 पोएम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, और बड़े खूबसूरत जो हैं। पेट्रार्क अपनी सोनेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था, इसने बहुत ज़्यादा खूबसूरत सोनेट्स लिखी हैं, 14 लाइन जो पोइम होती है, जिसे बाद में चौसर कॉपी करता नजर आएगा। मोस्ट ऑफ देम डिवोटेड टू द लव ऑफ ए मिस्टीरियस वुमन नेम्ड लॉरा। एक इसके जितने भी पोइम्स हैं, जितने भी सोनेट्स हैं, वो अक्सर एड्रेस करते हैं एक वुमन को, लॉरा, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। पेट्रार्क्स इन्फ्लुएंस कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। तो पेट्रार्क का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है रेनेसां के ऊपर, और उसके अलावा मिडिल एज के जो ग्रेट राइटर हैं जैसे कि जेफरी चौसर जो हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर है। तो एक और राइटर है हमारे पास, बोकैचियो। सो बोकैचियो, गिवानी बोकैचियो, ही वाज बोर्न इन 1330 पेरिस एंड डाइड 21 दिसंबर 1375, Italy, Italian poet and scholar, best remembered as the author of the Earthly Tales in the Decameron. तो इसका जो वर्क है Decameron, ये इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, बहुत खूबसूरत वर्क और सबसे बेस्ट वर्क जो है। इस वर्क पर रिटन इन द बोथ इटालियन एंड लैटिन, इसने मॉडर्न जो इटालियन अब डिवेलप हो चुकी थी उसमें भी लिखा, और स्कॉलर था तो इटालियन में भी, लैटिन में भी लिखा। Many people may have heard of Boccaccio's because of his ties to Shakespeare. Shakespeare wrote his play All's Well That Ends Well based on Boccaccio's most famous work, The Decameron. So, Shakespeare mein baad mein jo ek bahut khoobsurat ek work likha, All's Well That Ends Well, is sara base kar raha hai Boccaccio ke work The Decameron ke upar, which was written nearly 300 years earlier. Then इससे All's Well That Ends Well से 300 साल पहले लिखा गया। डांटे हमारे पास लास्ट जो लैटिन और इटालियन ऑथर्स हैं, ही इज बेस्ट नोन फॉर द मोनूमेंटल एपिक पोएम ला कॉमेडिया। इसकी सबसे जो बड़ी पोएम है जिसकी वजह से इसे याद रखा जाता है, लेटर नेम पहले ला कॉमेडिया थी, बाद में इसका नाम इसने किया ला डिवाइना कॉमेडिया, जिसे इंग्लिश में द डिवाइन कॉमेडी कहा जाता था। डिवाइन कॉमेडी जो एपिक है, जो पोएम है, फेमस पोएम डांटे ने लिखी थी, ये भी बहुत मशहूर है, और हो सकता है इसको भी मैं पढ़ने के लिए आपको कहीं दे ना दूं, लेकिन अभी नहीं, अभी आप वही काम कवर करें। डांटेस डिवाइन कॉमेडी अ लैंडमार्क इन इटालियन लिटरेचर एंड अमंग द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ द ऑल मीडिएवल यूरोपियन लिटरेचर इज अ प्रोफाउंड क्रिश्चियन विजन of humankind's temporal and eternal destiny. La Divina Commedia, the Divine Comedy, is Dante's most well-known work and was composed during his exile, most likely between 308 to 1321. Uske darmiyan ye compose isne ki thi. The epic poem, which is divided into three books, iske teen further parts hain jo yaad rakhne hain hame, wo hai Inferno, Purgatorio एंड पैराडाइसो। ओके, इन्फर्नो यानी हेल, और परगेटोरियो यानी परगेटरी, जिसमें गुनाह पर्ज होते हैं, और उसके बाद पैराडाइसो, तो तीन यानी जन्नत।
जन्नत जहन्नम और उसके दरमियान एक जगह है परगेटरियो, तो ये तीन जगहों की सैर है एक्चुअली ये जो पोएट करता है। क्रॉनिकल्स द पोएट्स फिक्शनल जर्नी थ्रू हेल परगेटरी एंड देन हेवन, तो ये है द डिवाइन कॉमेडी। और आज हमने जो ऑथर देखे हैं, अगर हम बैकवर्ड मोमेंट करें ऊपर की तरफ जाएं तो सबसे लास्ट पे हमने देखा डांटे, डांटेज मोस्ट फेमस वर्क इज द डिवाइन कॉमेडी, उसे ऊपर हमने देखा बोकैचियो, बोकैचियो से अगर एक वर्क निकालें इसका एक ही फेमस है खैर द डिकैमरॉन, और उसके ऊपर हम जाएंगे तो फिर है पेट्रार्क, पेट्रार्क का अगर हम वर्क्स देखें तो उसके जो सॉन्ग्स हैं और सोनेट्स हैं 366 पोएम्स जो उसने कैनजोनायरी बुक के अंदर लिखे वो फेमस हैं, फादर ऑफ फेमिनिज्म भी इसे कहा जाता है। उसके ऊपर हमने पढ़ा सिसरो, सिसरो जो है बहुत बड़ा ओरेटर था, उसकी बुक रेटरिक एंड द ट्रीटाइजेस ऑफ द फिलोसफी। उसके ऊपर आए टैसिटस, एनल्स, हिस्ट्रीज, द जर्मेनिया, तीन किताबें हैं इसकी। वर्जिल, इसका तो काम मैंने आपको याद करने के लिए भी दे दिया है, तीन बड़े वर्क हैं द एटलॉग, द जॉर्जिक्स एंड द एनियड, और एनियड एक काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है। लीवी इस फेमस हिस्टोरियन रोट द हिस्ट्री ऑफ द रोम, ओविड जो हमने सबसे पहले जिसको मेंशन किया, और ओविड की जो बुक है द मेटामॉर्फोसिस।